हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन का जो भी मैं काम करती हूँ उसको बताती हूँ, ताकि आप भी वो करिए, ताकि आगे चल के आपको अपने गार्डन से कुछ फ़ायदा मिले, कुछ वेजिटेबल्स आप कलेक्ट कर सकें, ग्रो कर सकें। तो जो आज मैंने वेजिटेबल के बीज लगाए हैं, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा अरेनियम है, पहले देख लीजिए आप। इसमें देखिए अभी फ्लावरिंग हो रही है, और ये वाला बीज देखिए अब कितना बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये बड़ा सा हो जाएगा तो सीडलिंग में फिर ऐसे ट्रंक वाले प्लांट ग्रो होते हैं। अगर आप कटिंग लगाएंगे तो इतना अच्छा आपको जड़ नहीं मिलेगी, तना नहीं मिलेगा उस कटिंग से, जितना कि बीज से तैयार किए गए पौधे में होती है। एंड गाइस, ये वाला देखिए जो मैंने बनाया था, एक ही गमले में बहुत सारे प्लांट लगाकर आपको दिखाए थे। तो धीरे धीरे ये मुरझाएगा, फिर अपने कंडीशन में आएगा जब प्लांट ग्रोथ पकड़ लेगा, उसके बाद इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बारिश का पानी से इसका रूट रूट थोड़ा सा, प्लांट एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट होते हैं ना, तो वो शॉक में होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो मेरा टॉय था वो मेरा बेटा उठाकर इधर उधर कर दिया, और ये वाला जो नागदौन का प्लांट है उसमें की सारी पत्तियाँ गिर गई, और देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। और हिबिस्कस में बहुत ही अच्छे फ्लावर आ रहे हैं आजकल, ये देखिए कलियां भी आ रही हैं। एंड आज मैंने ये एलोवेरा का प्लांट लगाया है अपने बैकयार्ड से लेकर। तो एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं खासकर इसका यूज अपने बालों में करती हूँ। इसका जो जेल होता है इसको निकाल लेती हूँ, और बाल धोने के बाद अच्छे सुखवा लेती हूँ, पानी उससे न गिरता रहे। फिर उसके बाद जेल लगा के 10 से 15 मिनट तक रखती हूँ, तो ये कंडीशनर का काम करता है। वो जो हमारे बाल बेसमय के सफ़ेद होते हैं और झड़ते हैं, डैंड्रफ वगैरह होते हैं, तो वो सब खत्म हो जाता है। तो देखिए मैंने कल लिया था लगाने के लिए बालों में, तो इतना बड़ा प्लांट था तो मैंने इसको लगा दिया। टेरेस पे मेरे एक भी एलोवेरा का प्लांट नहीं था, लेकिन ऊपर ना बहुत सारी चींटियां बड़ी वाली लगी हुई हैं। तो एलोवेरा का ये बहुत ही इसका आयुर्वेदिक फायदा होता है, तो आप इसको जरूर यूज करिए अपने बालों में। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर बहुत ड्राई से रहते हैं, तो ये कंडीशनर का काम करता है, आपको बालों को झड़ने नहीं देता है, डैंड्रफ से बचाता है। अगर आपके सर में खुजली रहती है तो उससे भी बचाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। ग्रोथ को बढ़ाता है, काला आपके बालों को काला बनाता है, बहुत ही अच्छा होता है, आप इसको यूज जरूर करिएगा। और एक गमले में बहुत सारे प्लांट वाला एक ये भी गमला है मेरा, तो ये भी देखिए बारिश में थोड़ा घना होता चला जा रहा है। एंड अपनी कटिंग की अपडेट मैं आपको दिखा दूँ, चलिए फिर से, वरना आपको लगेगा कि नहीं मैंने दिखाया नहीं। तो अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो देखिए यहाँ से देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। हालांकि रूट उतनी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, पर यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इसको मैं बाद में डालूंगी। एंड इसमें भी देखिए कुछ नहीं, अभी इतना कुछ नहीं है, कनेर में भी नहीं है कनेर, बाकी टाइम में तो मेरे से पानी, देखिए ये इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है मनी प्लांट की। तो इसी तरीके से मैं रखे रहूंगी जब कंप्लीट हो जाएगा, एक महीने डेढ़ महीने, देखती हूँ कितना टाइम लेता है ये। हालांकि मनी प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा बाकी प्लांट का। एंड पर्पल हार्ट देखिए कितना सुंदर इसमें फूल खिला है, इसमें ऐसे ही फूल आते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर, इस तरीके के व्हाइट पिंक और येलो, इतना छोटा सा फूल और इसमें तीन कलर होते हैं। एंड देखिए ये कनेर का कितना बड़ा फूल खिला है, एक ही है पर बहुत ही बड़ा खिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मेरे मोस रोज हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसको बारिश का पानी मिलता है, मैं पानी भी नहीं दे पाती उनको। और देखिए कितने अच्छे से इसमें ब्लूमिंग फ्लावरिंग सब हो रहा है। और यहाँ से ये तीन गमले एकदम से एक किनारे पे पड़े हुए हैं, ये कोई केयर नहीं हो रही है आजकल। लेकिन मैं इस वाले पॉट में, जो कि टूटे हुए पॉट होते हैं, वो सैकुलेंट फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसमें मैं खाद वगैरह मिला के जो मेरे कलेंचो है उसको मैं लगाऊंगी, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे आ रहा है, सितंबर तक उसको लगा देना चाहिए, तभी वो ठंडी में बहुत ही अच्छे उसमें फूल आएंगे। तो गाइस देखिए ये मिर्च हमने ले रखी है दो अपने किचन से, तो इस वाले पॉट में मैं लगा दूंगी, बीज इसके डाल दूंगी, तो ये छोटे छोटे पौध इसके तैयार हो जाएंगे। तो ये विंटर में बहुत ही अच्छे से इसमें मिर्च की फलियां लगेंगी। तो चलिए फिर लगा के दिखाती हूँ आपको कैसे लगाते हैं। आप कोई सा भी गमला ऐसा ले लीजिए जिसमें कि अभी अभी आपने प्लांट लगाए हैं, उसकी रूट ऊपर तक ना आई हो, मिट्टी अच्छी हो, तो वो बीज को बहुत ही अच्छे से ग्रो करवा देती है। तो देखिए गाइस, हमने जो मिर्च के बीज थे उसको स्प्रिंकल कर दिया, ये खुद ब खुद ग्रो हो जाएंगे, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ना पानी डालने की, ना इस पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर 10 पौध भी निकल गई तो बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिर्ची उसमें से निकलेगी। आप देखते रहिए हमारा वीडियो,